तो हेलो गाइज, यस यस यार, तो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो, न्यू नया नया ताज़ा वाला गेम प्ले वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो यार लास्ट तक देखना प्लीज़, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये इसलिए मार रहा हूँ मैं डायलॉग क्योंकि मैं आज आया हूँ 3 वीक, 4 नहीं 1 महीने के बाद। क्या ही यूट्यूबर बनूंगा यार मैं, 1 महीने के बाद गेम प्ले कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि 1 महीने के बाद आया हूँ मैं। पहले चिकन को मार लेते हैं, और ये बीच में ओपी ही रहा हमारा, देख सकते हो आप लोग। और अभी चलते हैं हम आगे क्योंकि यहाँ से हमें फूड भी कलेक्ट करना है यार। फूड तो नहीं है हमारे पास, और हमारे डॉग्स की आर्मी यार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हमारा आगे शुगर केन फार्म है। तो पहले शीप आपको मरना पड़ेगा, तो ये मर गई यार। तो देखो, मेरा रीज़न ये था कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी मेरी, और शुगर केन फार्म भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। तो अभी थोड़ा सी ठीक हो गई। तो 2 दिन पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर कर रखा हुआ था, और 2 से 3 दिन के बाद आज ये एडिट होने जा रहा है। यहाँ से थोड़ी बहुत शुगर केन ले ली हमने, पहले काऊ को हटाते रास्ते में से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही है। तो देखो अभी यहाँ से सारा शुगर केन कलेक्ट कर लेंगे जितना भी हो सकता है उतना, क्योंकि देखो यार हमें है ना आज अपने आर्मर वगैरह को थोड़ा सा इंचेंट बनाएंगे, उसके बाद इंचेंट करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, बस हमें एंडर ड्रैगन को मारना है जल्द से जल्द, और ये 1 ब्लॉक की भी सीरीज़ को ख़त्म करना है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया 1 ब्लॉक की सीरीज़ को भी। और अभी जो है 1 ब्लॉक की सीरीज़ को भी थोड़ा सा डिले हो रही है यार, ज़्यादा मतलब वो नहीं हो रहा है उसके ऊपर, ज़्यादा आप लोगों का प्यार नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से इन्वेंट्री फुल हो गई, बोन फेंक देते हैं, बोन का कुछ काम नहीं। हम यार बोन मिल बनाकर उसको यूज़ में ले सकते, चलो कोई नहीं, यहाँ पर लगा देते हैं यार इसको, सीट्स को जल्दी से, और चलते अभी कहाँ चलते यार विलेजर्स के पास, ट्रेडिंग करेंगे उनसे थोड़ी सी, फिर उसके बाद में पहले शिप को मार लेते हैं, यहाँ से फूड कलेक्ट करते हैं। और पीछे और एक है, चलो जल्दी से आ जाओ इधर, आपका काम ख़त्म हो चुका है। और अभी ये देखो हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर जो है बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, बस यही बताना था आप लोगों को। और अभी चलते हैं आगे यार, क्योंकि अभी ट्रेडिंग करेंगे तो एक्सपी बढ़ेगी, जब एक्सपी बढ़ेगी तो हम यार क्या करेंगे, ये शिप शिप इंट्रो ख़राब कर रही है मेरा। तो देखो यार मैंने है ना वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें है ना हमने एक आयरन फार्म बनाया था जो कि अनसक्सेसफुल हो चुका है, और ये विलेजर्स हमारे, और वहाँ पर 3 विलेजर्स अटके हुए, तो क्या ही कर सकते। तो एक आयरन गोलम घर के अंदर और एक घर के बाहर, दो दो आयरन गोलम, और कहीं तो नहीं है ना। और पता चले ओ भाई इधर भी एक है, तीन तीन आयरन गोलम हो गए भाई। और अभी रीज़न ये था कि हमने बनाया था बट वो जॉम्बी से डर ही नहीं रहे यार विलेजर्स, पता नहीं कैसे कैसे विलेजर्स है यार। तो मैं आपको वहाँ पर चल कर ही बताऊँगा यार, क्योंकि देखो ऐसा आप लोगों को समझ नहीं आएगा, वहाँ पर जाकर ही बताना पड़ेगा। तो चलते हैं वहाँ पर, फिर मैं बताऊँगा कि हमने कैसे बनाया था वो। चलो बैठ जाओ और आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं। देखो यार ये था हमारा आयरन फार्म, जो कि क्या बताओ यार, बोलने को भी शर्म आ रही है मुझे। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या ही कर सकते यार इसको। तो देखो अभी मैं आप लोगों को ऊपर चढ़ के बताऊंगा। और ये देखो यहाँ पर ज़ॉम्बी कैद है, और यहाँ पर विलेजर्स हमारे डर ही नहीं रहे, जब तक वो डरेंगे नहीं तब तक। तो हमारे आयरन गोलम भाई तो नहीं आए, स्पॉन हो गए यहाँ पर, क्या कर सकते यार आप बताओ मुझे। तो अभी चलते जल्दी से अपने विलेज में और निकलेंगे अभी। देखो इतना बड़ा ट्रैप बनाया है यार जिसमें 2 दिन लग गए भाई, कसम से मजाक नहीं कर रहा मैं। और यहाँ पर इसको पट्टे से हेडशॉट,
हेडशॉट पड़ गया भाई इसको, और ये टांग शॉट गया दो ही बारी में गया भाई, दो ही बारी में गया। और एक्सपी कलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि देखो यार सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमें अपने आर्मर इंचांट करना है, तो एक्सपी तो चाहिए ना यार हमें। जो प्रो बंदे हो गए वो समझ जाएगा यार, तो प्रो कौन हो यार कमेंट में बता देना, और तो रिक्वेस्ट डाल दूँगा मैं उनको, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, हम साथ में खेलेंगे पबजी। तो चलते यार जल्दी से, और यहाँ पर देखो मॉप स्पॉनर के पास आ चुके हैं हम, और यहाँ से देखो मॉप कैसे स्पॉन हो गए धड़ाधड़ अभी बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ पर अगर सिर्फ हमें जंप करना है, दूसरा कुछ नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको लेडर्स लगाकर ऊपर तक लेके जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर तक जाएंगे ना यार, तो उसमें थोड़ा कैसा है मॉब्स ज़्यादा स्पॉन होंगे, क्योंकि हम ऊपर तक जा रहे हैं ना, क्योंकि हम नीचे ऐसे जंप कर रहे हैं तो ज़्यादा स्पॉन हो रहे, तो ऊपर जाऊँगे तो कितने ज़्यादा स्पॉन होंगे। इनको मार कर जल्दी से एक्सपी कलेक्ट करते यार, पीसवर्ड चल नहीं रही मेरी, आप लोगों को पता है ना यार कि मैं मोबाइल में खेलता हूँ तो मज़े कम लिया करो यार। और मैंने इसलिए शेडर्स ऑफ किए क्योंकि देखो अभी कॉबलस्टोन मशीन कितनी बढ़िया तरीके से वर्क करेगी। सब ठीक है यार हमारे वर्ल्ड में, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। हाँ तो जो चेंजेस हुए तो वो तो आप लोगों को वीडियो में पता चल ही गए होंगे, और दूसरा कुछ चेंजेस नहीं हुआ हमारे वर्ल्ड में क्योंकि मैंने किए ही नहीं। और ये कॉबलस्टोन मशीन थी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही थी, तो बात चल रही थी हमारे शेडर्स की, तो शेडर्स मैंने इसलिए ऑफ़ किए यार क्योंकि शेडर्स में मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो उससे वजह से खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाए। देखो लैग भी हो रहा है अभी इसमें थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं सारी इन्वेंट्री खाली कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या करते ना कि डायमंड के हम आर्मर बना लेते, तो हमारे पास डायमंड दो ही ब्लॉक है सिर्फ, तो ये तो गलत हो गया भाई इसमें। तो पहले क्या करते हैं, इन्वेंट्री खाली कर देते अपनी, उसके बाद आर्मर बनाते टाइम मैं आप लोगों को बताऊँ। तो यहाँ पर देखो यार जो कि हमें वहाँ से मिली थी ना, उसमें गए थे हम, क्या नाम है उस ओशन मेनूमेंट में, उसमें और शिप में कुछ मिली थी शायद, शायद से टेम्पल में लाइव स्ट्रीम में गए थे क्या हम, हाँ टेम्पल में। वहाँ से ये देखो ये ओशन मिन्यूमेंट्स से लाया हुआ सामान है, 18 स्पॉन्च और 33 सी लेंटन, और बाकी के सारा सामान 8 गोल्ड ब्लॉक मिले थे हमें वहाँ पर। और सारा सामान मैं क्या करता हूँ अपनी इन्वेंट्री खाली कर देता हूँ पहले से पहले। तो यार मैंने अपनी इन्वेंट्री भी खाली कर दी, और उसके बाद मैंने एक गोल्ड का ब्लॉक ले लिया है डायमंड का, और अब अपने पास 5 डायमंड तो थे ही वो अंदर रखे हुए, और इससे एक चेस्ट प्लेट, दो बूट्स बन चुके हैं हमारे, और एक ब्लॉक लगेगा यार ये देखो, और एक ब्लॉक लगेगा, तो इसको पहले डायमंड में नहीं, पहले डायमंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इससे बनेगी लेगिंग्स। बूट्स बन रहे यार सिर्फ हेलमेट के लिए, और दो तीन चाहिए यार मेरे हेलमेट के लिए, क्या हो रहा है यार ये, इसमें कुछ है क्या, तो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा यार मुझे, इससे कुछ मिलेगा लग नहीं रहा मुझे, और इससे माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा यार क्योंकि डायमंड अभी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास, और इसे इंचैट भी करना है हमें। तो चलो इसमें तो नहीं दिख रहा यार, और इसमें सारे चेस्ट वगैरह अंडर चेस्ट में तो नहीं होगा क्योंकि हमने एक ही बनाई है, और देखो एमराल्ड के 2 स्टॉक हो चुके हैं हमारे पास, काश यार एमराल्ड का भी बन पाता कुछ ना कुछ, तो कुछ भी नहीं बन सकता एमराल्ड का, सिर्फ ब्लॉक आप ब्लॉक बन सकता है सिर्फ एमराल्ड का, और यहाँ से क्यों टूट गया भाई तू। हाँ तो इसको पूरा पहले फिनिश कर देते, और चलो यार इंचांट करते अपने आर्मर को, लूटिंग 3 इस पे है और मेंडिंग 1, अरे बेन ऑफ ऑर्थन्स 5, तो इसे चलो यार इसमें देखते हैं यार कौन सा मिलता है हमें। और लैपिस लजूली वो भी ख़त्म होने के लिए आ चुका है हमारे पास, और अभी ख़त्म ही हो जाएगा, तो पहले इसका नहीं बता रहा यार क्या कौन सी इंचांटेड है, तो प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन 5, तो ये अच्छी, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 1, नहीं ब्लास्ट नहीं प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन 4 ले लेंगे हम यहाँ से जल्दी से, और ले लो यार चलो प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन 4 ये आ चुकी है हमारे पास, और
अभी देखते, डायमंड पर नहीं होगा, डायमंड पर नहीं होगा। और यहाँ से कौन सी मिली यार हमें, इंचांटेड डेप्थ स्पाइडर 3, फेदर फॉलिंग 2, फेदर फॉलिंग मिल रहा है यार, फेदर फॉलिंग ले लेंगे हम इससे, क्योंकि हम ऊपर से गिरते हैं तो डैमेज कम होगा। मैं तो ये देखते, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 5, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन 2, तो यार ये ले लेंगे 4 का, नंबर 3 वाला। तो फाइनली यार हमारे आर्मर इंचांट हो चुके हैं, तो हमें अपनी पिकैक्स को भी डिसइंचांट करना था, क्योंकि हमें उससे सिल्क टच निकालना था, क्योंकि यार अभी देखो उस पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा महंगे वाले इंचांटमेंट लगे, तो क्या ही कर सकते हैं हम, उसको निकालना तो पड़ेगा ही, और दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते यार हम। और आर्मर कैसे पहनते यार इसमें बताना मुझे, कुछ नहीं हो रहा, किससे भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पहले आर्मर पहन लेते हैं हम, उसके बाद ओ भाई क्या ही लग रहा है यार, हेलमेट उतार कर रख देना, हेलमेट भी चाहिए था यार मुझे, बट हेलमेट नहीं मिला, तो हम आयरन का बना लेंगे, उसमें कोई बात नहीं, वरना डायमंड की माइनिंग के लिए जाएंगे, एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे और डायमंड की माइनिंग के लिए जाएंगे डायमंड। चलो तो अभी क्या करते हैं ना, यहाँ से शुगर केन ले लेते हैं और इससे बुक्स बनाते हैं, बुक्स बनाकर बुक्स पर ले लेंगे हम इंचैंटमेंट, तो इसको जल्दी से करते हैं कंप्लीट। और मैं थोड़ी बहुत इंचैंटमेंट ले लूँगा यार उसमें से, देख हमारे पास लेदर भी बहुत ज़्यादा है, लेदर का आप लोगों को पता होगा कि कचरा पट्टी में वो 55 होगा, और इसमें 5, एक तो ये देखो ये 5 लेदर लेदर है, और कचरा पट्टी मार्केट किधर है, ये देखो 55 बोला था मैं आप लोगों को, तो 60 हो चुके हैं टोटल हमारे पास। तो जल्दी से इसको बुक्स में कन्वर्ट करते, फिर उसके बाद शुगर केन भी हमारे पास 25, तो कोई नहीं, चलो पहले जल्दी से बुक्स में कन्वर्ट कर इंचांटमेंट ले लेते हैं सारी की सारी। तो यार देखो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने अभी देखा होगा आप लोगों ने कि वहाँ पर मैंने लेडर्स लगा दिए, और यहाँ से क्योंकि मैं वहाँ पर एक्सपी कलेक्ट करने गया था, तो रेपुटेशन प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग वन प्रोटेक्शन रेस्पिरेशन 3 ले लेते यार, क्योंकि देखो हाँ तो रेस्पिरेशन 3 ले लेते, तो इसका मुझे यूज़ तो नहीं पता, बट फिर भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि रेस्पिरेशन 3 ले रहे थे। ओ भाई फ्लेम 1, फॉर्चून 3, भाई साहब फॉर्चून 3 तो मैं अपने पिकेक्स पे लगाऊंगा यार, ये तो पिकेक्स पे लगाना ज़रूरी है यार, तो पिकेक्स को भी हमें डिसइंचार्ट करना है, तो कोई नहीं अभी यहाँ पर रखते देखते और क्या मिलता है हमें। लेदर बुक, फायर प्रोटेक्शन 1, रेस्पिरेशन, तो चलो यार लॉयल्टी 1 भी मिल चुकी है हमें, और बुक रखते हैं और एक देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये क्या है, प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन 4, ये तो उतनी अनब्रेकिंग 1, एफिशिएंसी 1, तो ये 2 ले लिए हमने, और इसको भी रख लेते हैं। और कुछ मिलता है हमें, और इसमें क्या मिल रहा है, लॉयल्टी 1, फेदर फॉलिंग 1, तो लॉयल्टी फेदर फॉलिंग 1 ले लिए, चलो कोई नहीं। और शार्पनेस 3 30 पर मिलता है यार, तो एक्वा एफिशिएंसी 1 ले लिया हमने, कुछ भी ले रहा हूँ यार मैं, मुझे इतना पता नहीं है। और एफिशिएंसी 1, एक्वा एफिशिएंसी 1 ले लेते यार, चलो कोई नहीं। और यहाँ पर पूरी हमारी एक्सपी लेवल, फायर प्रोटेक्शन 1 ले लिया हमने, कोई नहीं, और तो उतनी लेवल नहीं है हमारे पास। एफिशिएंसी 3, एक्वा एफिशिएंसी, तो इसके लिए 30 चाहिए यार लेवल, एक्वा एफिशिएंसी और प्रोटेक्शन 1 ले लेते यार, और प्रोटेक्शन 1 एफिशिएंसी 1 मिल चुकी है हमें, तो कोई नहीं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पेयर्सिंग 2, तो ये कुछ काम, इसका कुछ यूज़ होता है मुझे पता है, कैम में तो यूज़ होता है इसका, तो चलो 2 लेवल ही रहने देते और सारे यहाँ पर रख देते यार। और अपने प्यारी नहीं, हाँ तो इसको क्या करते, पर अपने आर्मर वगैरह पर लगा देते यार, क्योंकि
आर्मर पर ये देखो, आर्मर की हेल्थ भी चली गई। अच्छा हम तो ऊपर से गिरे थे ना यार, तो उस वजह से गए होंगी। इस पर मेंडिंग लगा देते हम, क्योंकि डायमंड चेस्ट प्लेट और स्पेयर अनब्रेकिंग वन, इसको चेक कैसे करते हैं यार? एफिशिएंसी वन, हाँ तो इस टाइप से चेक, अनब्रेकिंग प्रोटेक्शन, प्रेसिंग फायर प्रोटेक्शन वन, फेदर फॉलिंग वन, एक 5 पॉइंट फेदर फॉलिंग। तो इस पर नहीं बैठती यार, तो बूट्स पर बैठेंगे यार फेदर फॉलिंग। ये क्या हो गया यार, ये यहाँ पर और फेदर फॉलिंग, हाँ यहाँ पर रख दो इसको। क्यों नहीं हो रहा यार ये फेदर फॉलिंग टू? अच्छा तो इस पर फेदर फॉलिंग टू लगी हुई है ना, इस वजह से नहीं हो रहा है ये। कोई नहीं यार, इस पर कुछ ना कुछ तो दूसरा लगाएंगे। फायर प्रोटेक्शन वन, स्माइट टू, ये स्वाट पर लगाएंगे हम। एक फायर एफिशिएंसी, डायमंड प्रोटेक्शन, फेदर फॉलिंग रिफ्लेक्शन टू, फ्लेम वन, फॉर्चून थ्री। तो पिकेक्स पर लगता है क्या, देखेंगे यार इसको भी। और फायर प्रोटेक्शन, फ्लेम, फॉर्चून थ्री, हाँ तो इसको लगा। चेस्ट प्लेट पर नहीं लगता यार ये, कोई नहीं। और यहाँ पर लगेगा क्या, देखेंगे उसको। ये तो अपग्रेड है यार, इसको अपग्रेड करता है सिर्फ ये आइटम्स को। हाँ तो सिर्फ ये अपग्रेड करता है यार, नहीं लगेगा, नहीं लग, देखेंगे ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो इस पर भी नहीं लगेगा यार, क्या ही लफड़े यार ये, इस पर भी नहीं लगेगा। और इसको डिसइंचार्ज करते हैं पहले, तो बुक रख देते यार। बुक नहीं है हमारे पास, पहले बुक लेकर आते हैं, क्योंकि बुक हमारे अंदर ही रखे हुए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, बुक यहीं पर रखे हुए हमारे। और इसमें थोड़े मीम्स ऐड करने थे बट वो नहीं ऐड हो पाए, तो कोई नहीं यार, सॉरी उसके लिए। और यहाँ पर रख देते हैं अनब्रेकिंग थ्री, सिल्क टच, सिल्क टच तो मिल जाएगा यार बाद में। इसको सिंपल सिर्फ मेंडिंग नहीं मिल गया यार, मेंडिंग के लिए तो थोड़ा सा वक्त लगेगा ना, तो मेंडिंग का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मेंडिंग थी शायद से मेरे पास पहले, हाँ मेंडिंग थी मेरे पास। फिर भी हम अपना एक विलेजर उससे ट्रेडिंग कर कर हम ले सकते हैं। तो यार जल्दी से पियर्सिंग, चलो लग सकती है इस पर, नहीं इसको यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। और पिकेक्स को रख देते पहले, और उसके बाद कहेंगे स्माइट अनब्रेकिंग थ्री, हाँ तो ये लग, अनब्रेकिंग थ्री लगाए सिर्फ। और फेदर फॉलिंग तो नहीं लग सकती उसके ऊपर, फ्लेम वन, फॉर्चून थ्री, ये लगा देते इसके ऊपर। अरे ये कहाँ गई, इसके ऊपर नहीं लग सकती, देखेंगे पिकेक्स के ऊपर लगेगी तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। टूटिंग थ्री, मेंडिंग, मेंडिंग बीच में होगी शायद से, मेंडिंग वन, हाँ तो मेंडिंग वन मिल चुकी है हमें। और ये सारे बुक्स को इसमें रख देते यार, क्योंकि अभी इनका कुछ यूज़ नहीं है, और जब यूज़ होगा तो तब लेंगे हम इसको। फिर प्रोटेक्शन, स्मैक, फेदर फॉलिंग, मेंडिंग को रहने देते, लूटिंग थ्री को भी लगा देंगे यार स्वॉर्ड पर अपने। और हमारा एनविल भी डैमेज हो चुका है, लूटिंग थ्री को रखो यहाँ, क्या हो रहा है यार। और डायमंड स्वॉर्ड, इस पर मेंडिंग वन, मेंडिंग वन तो थी, हाँ इस पर थी ना। लूटिंग थ्री, इंचेंटमेंट कोस्ट 13। तो जल्दी से हम अपने और एक्सपी फॉर्म पर जाते हैं, मॉब स्पॉनर, और अभी नाइट भी हो रही है, मॉब्स भी आएंगे 11 12 13, 2 XP चाहिए हमें और, यानी कि 2 लेवल और चाहिए। बेट पहले सो जाते हैं, फिर सुबह उठकर मारेंगे मॉब्स को। और एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में, तो एंडरमैन भैया आप हमको मारोगे? इतनी बड़ी, इतने बड़े हो गए भैया तुम, आप आ जाओ भैया। ओ भाई क्या ही मार रहा है यार ये, धड़ाधड़, चलो भागो जल्दी से अंदर, मार देगा यार ये, मार देगा। टेलीपोर्ट बहुत डेंजर हो रहा है ये। और देखो अभी वहीं पर मारूंगा यार इसको, देखो अभी इसको तो यहीं पर मारूंगा, यहीं, यहाँ से कहीं भाग नहीं सकता इसके पैरों पे। भाई साहब
किधर चला गया? हाँ अच्छा, तो उधर गया है ना, इसके पैरों पे मारना पड़ेगा इसे। और ये मर गया और हमें एंडर पर्ल मिल गई, एक एंडर पर्ल। हाँ एंडर पर्ल ही बोलते हैं इसे, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए ना, महीना भर हो गया तो इसलिए। और एक एंडर मैन स्पॉन, और एक एंडर मैन स्पॉन। और ये नहीं मरेगा क्या इससे? मरेगा कि नहीं भाई? यहाँ से भी फुर भाई सब। चलो कहाँ गया पता नहीं, बट हम अपने अपने काम पर ध्यान देते। और यहाँ से देखो ज़ोंबी वगैरह। और ये मारेगा क्या हमें? नहीं नहीं लग सकता इसका तीर हमें। देखो तो अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी मॉब्स स्पॉन होंगे और उनको मारेंगे, फिर एक्सपी कलेक्ट होगी, फिर लेवल कोर्स 13 हो जाएगा हमारा। और अभी चढ़ते ऊपर जल्दी से, मॉब्स को स्पॉन कराते। पिकैक्स नहीं चाहिए यार, तोड़ना दे कहीं। और अनब्रेकिंग 3 है सिर्फ इसके ऊपर, इसको मैं बाद में करूँगा, फॉर्चून 3 वगैरह लगा कर इसको बढ़िया सी बना दूँगा यार, दुल्हन सी। तो अभी इसको लगा देते हैं जल्दी से। मॉब स्पॉन हो गए होगे नीचे ज़्यादा, ये देखो 2 ही स्पॉन है। तीर मार रहा है भाई साहब, बंदा होशियार हो गया। तो अभी 13 ही चाहिए हमें एक्सपी भाई, थोड़ी सी दे दे सिर्फ। ओ भाई थोड़ी पर ही बची हुई यार, लामा को मारने से नहीं मिलती ना। तो यहाँ से थोड़े ज़्यादा मॉब स्पॉन होते पता नहीं क्यों, बट यहाँ से थोड़ा जो ऊपर जाओ ना तो ज़्यादा मॉब स्पॉन होते, तो इसलिए यहीं से ऊपर जाना पड़ेगा हमें। और ये देखो एक स्पॉन हुआ और अभी स्पॉन हो गए। और ये फेसबुक के मैसेजेस आ रहे हैं यार, सॉरी। और ये देखो लेवल को 13, हाँ 13 हो चुके हैं हमारे। चलो अभी अभी चलो लूटिंग 3 लगा लेते हैं अपने स्वॉर्ड के ऊपर, क्योंकि वॉइस कम करके थोड़ा खेला जा सकता है। तो अभी चलते आगे। और लूटिंग 3 कहाँ गई? लूटिंग 3 लगा दे, क्योंकि अभी जो है ना हमें जाना भी है थोड़ा सा, जाना मतलब अभी हमें एशियन डेब्रिस ढूंढना है, क्योंकि 1 ब्लॉक में तो हमें नहीं मिला यार एशियन डेब्रिस, तो हमें इससे ही मारना पड़ेगा 1 ब्लॉक में, डायमंड की स्वॉर्ड वगैरह से एंडर ड्रैगन को। देखेंगे यार, डायमंड पिकेक्स इस पे फ्लेम फॉर्चून 3, ये इसको लगा लेते पहले, पहले इसको लगा देते पिकेक्स पर, ये लग गई। और इस पर लगा देते लूटिंग 3 नहीं, मेंडिंग, इस पर मेंडिंग लगा दी हमने। और बस इतना ही चाहिए था यार। तो फाइनली वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, और देखो क्या ही स्पीड में टूट रहा है भाई साहब। वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा यार, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, मैं ऐसे न्यू न्यू वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके जाओ, वरना आयरन गुलाम आ जाएगा आप लोगों के विलेज में। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। हो गया क्या ख़त्म? अब हो गया शायद से।